हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़, आईपीएल 2022 के बाद अब आईपीएल 2022 का जो मिनी आईपीएल हमें देखने को मिलने वाला है उसके ऑक्शन की ऑलरेडी अनाउंसमेंट की जा चुकी है और 19 सितंबर को हम सभी लोगों को मिनी आईपीएल का ऑक्शन कंडक्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से MSD और उनके साथ ही बहुत बड़े बड़े भारतीय प्लेयर्स अब मिनी आईपीएल के ऑक्शन का आपको हिस्सा बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मिनी आईपीएल 2023 के प्रिपरेशन अब ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी हैं, जहां पर 19 सितंबर को इसके ऑक्शन के साथ ही ये भी बता दिया गया है कि जनवरी में हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और इसमें पिछले काफी टाइम से क्रिकेट साउथ अफ्रीका BCCI से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारतीय प्लेयर्स को भी वो यहां खेलने के लिए भेज दे, लेकिन भारत के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उसमें से विराट कोहली और रोहित शर्मा को तो वर्कलोड की वजह से BCCI ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो मिनी आईपीएल में खेलने नहीं जाएंगे। जिसका मतलब है रोहित शर्मा और विराट कोहली तो ऑलरेडी इक्वेशन से आउट हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड काफी टाइम से BCCI से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ इंडियन प्लेयर्स को तो यहां पर खेलने के लिए भेज ही दिया जाए, जिससे इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें देखने को मिला है जब उन्मुख चंद, जो कि भारत के अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, वो जीत चुके थे, वो अपना नाम इसके ऑक्शन में शामिल करवा चुके हैं। तो अब उन्मुख चंद को अगर हटा दिया जाए और बाकी प्लेयर्स की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेट बोर्ड है उनके द्वारा मिनी आईपीएल ऑक्शन में लाने के लिए जिन प्लेयर्स को रिक्वेस्ट की गई है और उनके टीमों के नाम बताए गए हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं MSD। दरअसल इन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी करेंटली किसी भी तरीके के इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव नहीं रहते हैं, और ऐसे में MSD अगर मिनी आईपीएल खेलने के लिए आ जाते हैं तो फिर मिनी आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो आप लोग समझ ही सकते हो। चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी फैंस हैं वो जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स की टीम को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे और उनकी वजह से मिनी आईपीएल की TRP काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चाहते हैं कि MSD को एटलीस्ट मिनी आईपीएल में खेलने का चांस दिया जाए, और क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो इस रिगार्डिंग उनको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और ये चाहते हैं कि MSD जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स की टीम से खेलते हुए नजर आए। इसके बाद इन्होंने जो अगला ऑफर दिया है वो है KL राहुल को। दरअसल KL राहुल IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से खेलते हैं, और LSG की टीम ने मिनी IPL में डरबन नाम की टीम को खरीदा है, जिसका मतलब है कि डरबन की टीम की साइड से KL राहुल को ऑफर आया है कि अगर BCCI इनको परमिट करती है तो फिर इनको वहां की टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। और ऐसे में ये चाहते हैं कि KL राहुल को मिनी IPL के ऑक्शन में आने की परमिशन दी जाए। इनके बाद इस लिस्ट में अगला प्लेयर है वो है ऋषभ पंत IPL में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कैप्टन है, और इनको जो ऑफर निकल कर आया है वो है प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम की तरफ से। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने भी इनको साफ साफ ऑफर दे दिया है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऋषभ पंत अपने कैप्टन को यहां भेज देती है तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ऋषभ पंत को अपना कैप्टन बनाएंगे, और इसके साथ ही वो ऋषभ पंत को साइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें BCCI की परमिशन का वेट करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो चौथा और आखिरी नंबर का प्लेयर है जिसको ये ऑफर जा चुका है वो है मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव। करेंटली सूर्या T20 के दुनिया के टॉप के 3 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, और ऐसे में सूर्य कुमार यादव IPL में मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हैं, MI की टीम की। अगर हम बात करें मिनी IPL में फ्रेंचाइज की तो MI केप टाउन के नाम से इनकी फ्रेंचाइज है, और ऐसे में इन्होंने रिक्वेस्ट की है मुंबई इंडियंस की टीम से कि ये सूर्य कुमार यादव को मिनी IPL के ऑक्शन में आने की परमिशन दे दें। अब ये सारे प्लेयर्स मिनी IPL के ऑक्शन में जाएंगे या फिर नहीं, ये तो पूरी तरीके से BCCI की परमिशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या आप लोग इन सभी प्लेयर्स को मिनी IPL में खेलते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।